हेलो बिजू माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज एक दो दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक लीक्स पे वीडियो बना के दिखाया था कि MI से गाइज यहाँ पे BGMI का कोलाब्रेशन हुआ है और उसी के साथ आप लोगों को न्यू इवेंट भी देखने को मिलेगी जिससे रिलेटेड आप लोगों को MI के पैराशूट, आउटफिट, बहुत कुछ अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। तो फाइनली आज के दिन यहाँ पे वो इवेंट आ चुकी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आप लोगों को इवेंट के पास यहाँ पे जो सेल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है उसके अंदर नॉर्मली चले जाना है और इसी में आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड करने पे सेकंड लास्ट पे प्राइस पाथ करके देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे इवेंट 14 तारीख से स्टार्ट हुई है और 6-6 तक चलने वाली है। मतलब कि कम से कम गाइज यहाँ पे 20-22 दिन के आसपास की ये इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर रिवॉर्ड बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या रहता है कि इसके अंदर से कोई से भी रिवॉर्ड अगर आप लोगों को चाहिए ना तो इसके लिए आप लोगों को पर्टिकुलर UC लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, राइट साइड में आप लोगों को 500 UC दिख रहे होंगे। तो 500 UC से गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसको अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद ही यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो सारे सब कुछ आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक बार इसको अनलॉक कर लोगे ना, उसके बाद आप लोगों को पर्टिकुलर मिशंस कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे पॉइंट मिशन करके देखने को मिलेंगे और इसी मिशन को कंप्लीट करते करते आप लोगों को पर्टिकुलर ये वाले जो प्राइस पाथ पॉइंट है वो मिल जाएंगे। अब ये प्राइस पाथ पॉइंट है वो यहाँ पे आप लोगों को जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप लोग देखो, लेवल 1 करने के लिए आप लोगों को 200 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो 200 पॉइंट करने के लिए आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने हैं और उसी पॉइंट से आप लोगों के लेवल बढ़ेंगे और उसी लेवल से आप लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट लेवल पे जैसे ही आप लोग आ जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे MI का एक पैराशूट मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड लेवल पे देखो 50 UC का कार है। फिफ्थ लेवल पे आप लोगों को टाइम लिमिटेड एक आउटफिट मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। 10 लेवल पे जैसे ही आप लोग आओगे तो परमानेंट यहाँ पे हेलमेट की स्किन मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को टाइम लिमिटेड बैकपैक की स्किन मिलेगी 13 लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखो, आप लोगों को एक दासिया की स्किन भी मिलेगी जो कि टाइम लिमिटेड रहेगी और ये 17 लेवल पे है। और उसके बाद लास्ट में आप लोग देखोगे तो 20 लेवल पे आप लोगों को एक मुंबई कर सेट देखने को मिलेगा और ये सेट यहाँ पे मैथिक रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से इवेंट को समझ गए होंगे। नॉर्मली 500 UC से अनलॉक करो, उसके बाद मिशन कंप्लीट करो, मिशन कंप्लीट करके आपको पॉइंट मिलेंगे, उसी पॉइंट से आप लोगों के लेवल बढ़ेंगे और उसी लेवल से आप लोगों को नीचे वाले सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 आइटम अगर आप लोगों की निकल जाती है, जैसे कि यहाँ पे हेलमेट, पैराशूट, डासिया, बैकपैक, गन और यहाँ पे आउटफिट, तो ये 6 चीज़ अगर आप लोगों की मिल जाती है तो इससे रिलेटेड आप लोगों को नीचे 3 रिवॉर्ड है वो यहाँ पे परमानेंट मिल जाएंगे, जिसमें एक है यहाँ पे नेम टैग, सेकेंड यहाँ पे अवतार है और थर्ड यहाँ पे अवतार फ्रेम है। तो ये रिवॉर्ड आप लोगों को तभी मिलेंगे जब ये टोटल 6 रिवॉर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको शॉप का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शॉप के अंदर से भी आप लोग पर्टिकुलर UC से आइटम परचेस कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर आप लोग लेवल 6 कर लेते हो तो बैकपैक आप लोग यहाँ से परचेस कर पाओगे 720 UC से। उसके बाद आप लोग देखो, लेवल 11 कर लेते हो तो 720 UC से आप लोग हेलमेट परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर लेवल 20 कर लेते हो तो 3000 UC से आप लोग परमानेंट डासिया ले सकते हो और लेवल 20 पे ही 1800 UC से आप लोग यहाँ पे DP28 की स्किन भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे गाइज जैसे ही 20 लेवल आप लोगों के हो जाते हैं उसके बाद अगर आप लोगों के पास पॉइंट बचते हैं ना तो उसी पॉइंट से भी आप लोग ये सारी आइटम है उसको यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। बाकी लेवल वाइज आप लोग DP की स्किन भी यहाँ पर देख लेना जो कि लेवल 1st है, 2nd आप लोग देखो, 3rd है यहाँ पर, उसके बाद 4th और 5th है। ठीक है, तो DP28 भी अच्छी लग रही है और इसी तरीके से आप लोगों को पूरी इस इवेंट को फॉलो करना है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में थोड़े से मिशन को से रिलेटेड डाउट हो गए तो थोड़े थोड़े मिशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट मिशन के अंदर देखोगे तो फर्स्ट थोड़े से मिशन तो यहाँ पे लॉगिन वाले हैं। टोटल 20 डेज आप लोगों को लॉगिन करने हैं जिससे ये सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्लासिक मैच में टाइम स्पेंड करना है, जैसे कि 30 मिनट स्पेंड करनी है, 60 मिनट, 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 360 मिनट तक आप लोग स्पेंड करोगे तो ये सारे मिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हिट प्लेयर 1 टाइम विथ एनी वेपन, मतलब कि किसी भी गन से या किसी भी वेपन से आप लोगों को सिर्फ एक
बंदे को डैमेज करना है। बंदा यहाँ पे मरे ना मरे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग उसको एक दो गोली मारते हो और उसको लग जाएगी तो मिशन हो जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ 5 प्लेयर को हिट करना है, उसके बाद 10 प्लेयर को, 15 प्लेयर को और 20 प्लेयर को, ठीक है। इस तरीके से 20 प्लेयर को आप लोग किसी भी वेपन से हिट करोगे तो ये मिशन आपके हो जाएंगे। उसके बाद है आप लोगों को गेम के अंदर मिनट स्पेंड करनी है। अब इसके ऊपर के जो मिशन थे ना उसमें क्लासिक मोड में मैच खेलोगे तब टाइम काउंट होगा, बट उसके बाद के जो मिशन है वो सिर्फ गेम में स्पेंड करना है, मतलब गेम खेलोगे तो भी होगा, लॉबी में खड़े रहोगे वो सारा टाइम भी आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद है सेंड टीम इनवाइट टू 3 डिफरेंट फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड, 10 फ्रेंड, 20 फ्रेंड, मतलब कि 20 फ्रेंड को आप लोगों को टीम इनविटेशन सेंड करना है। तो नॉर्मली फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो आप लोगों के बंदे रहते हैं उनमें से किसी भी बंदे के प्लस पे क्लिक करके उसको बुला लेना। ऐसे करके 20 प्लेयर को आप लोग लॉबी में बुलाओगे तो आपका मिशन हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट मिशन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक मैच खेलनी है, 3 मैच, 5, 10, 20 और 30, 40, टोटल 40 मैच आप लोगों को फ्रेंड के साथ खेलनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो एज अ स्क्वाड आप लोगों को टॉप 10 में आना है, मतलब 4 बंदों का स्क्वाड रहता है वो आप लोगों को खेलना है और हैशटैग 1 से लेके 10 के बीच में आप लोगों को आ जाना है, जिससे मिशन हो जाएगी, टोटल 20 बार आना है। उसके बाद आप लोगों को 4 बंदों के साथ ही मिला के टॉप 5 में आना है, मतलब हैशटैग 1 से लेके हैशटैग 5 के बीच में आना है। उसके बाद है रिस्टोर हेल्थ, मतलब कि आपको 10, 30, 50, 100, 200, 300, 600 और 900 हेल्थ यहाँ पे रिस्टोर करनी है। मतलब आप लोग डैमेज वैमेज हो जाते हो तो हेल्थ की पेन किलर ये सब कुछ यूज़ करके जो आप लोग अपनी हेल्थ को रिकवर करते हो उसी से ये मिशन कंप्लीट होगा। उसके बाद है रेस्क्यू टीममेट, मतलब कि आपको टीममेट को रिवाइव देना है, टोटल 20 बार आप लोग रिवाइव दे देना। उसके बाद ट्रैवलिंग है 3000 मीटर, 60000 मीटर, 10000 मीटर, मतलब किसी भी व्हीकल के अंदर आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करोगे तो ये मिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कि आप लोगों को व्हीकल से एनिमी मारना है, 1, 2, 5 और टोटल 10, टोटल 10 एनिमी आप लोग यहाँ पर व्हीकल से मारोगे तो ये मिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस बार के जो मिशन है वो बहुत इजी मिशन है, आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेना। और इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई रिवॉर्ड अच्छे लगते हैं तो ही आप लोग यहाँ पे 500 यूसी खर्च करना। मुझे कोई इतने खास रिवॉर्ड लगे हैं नहीं, फिर भी आप लोगों को कोई रिवॉर्ड कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।